और लखनऊ से बड़ी खबर है, बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया बिजली कर्मचारियों ने। हड़ताल पर सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया, हड़ताली कर्मियों पर एस्मा लगाया जाएगा, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, विद्युत उपकेंद्रों पर पुलिस की तैनाती की गई। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ऐलान किया है बिजली व्यवस्था बाधित होने पर बिजली कर्मियों पर एनएसए और एस्मा लगाया जाएगा, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। एस्मा के तहत 1 साल की सजा का प्रावधान है। हड़ताल करने वाले बिजली कर्मियों पर सरकार अब सख्त है, सभी जनपदों के डीएम और एसपी को अलर्ट भेजा गया है। तो बिजली कर्मचारियों की तरफ से 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब सरकार की तरफ से सख्त फैसला लिया गया है। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर एस्मा और एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, विद्युत उपकेंद्रों पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। तो यूपी में बिजली कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। बिजली कर्मियों ने अब एक और हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यूपी में अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को कार्य बहिष्कार के बाद अब बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि उनकी मांगों को सरकार ने पूरा करने का आश्वासन दिया था, इसको लेकर लिखित समझौता भी हुआ था और पिछली बार आंदोलन वापस लिया गया, लेकिन अब कारपोरेशन प्रबंधन लिखित समझौते को पूरा नहीं कर रहा है। ऐसे में बिजली कर्मियों की हड़ताल की वजह से बिजली की सप्लाई ठप हो सकती है। वहीं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली कर्मचारियों से हड़ताल न करने की अपील की है और कहा है कि दिसंबर में हुए समझौते के तहत ज्यादातर मांगे सरकार ने मान ली है। मैं उनसे एक बार फिर निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, पहले भी कई बार मैं कह चुका हूँ कि वो हड़ताल का मार्ग न अपनाएं, सरकार के साथ सहयोग करें। हमारा पूरा मन है उनके कल्याण का, उनके सुख सुविधा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। उनकी जो पहले जो मांगे हमारे समक्ष आई थी दिसंबर में जो बातचीत हुई थी, उनमें से कई प्रमुख मुद्दों को, महत्वपूर्ण मुद्दों को हल किया जा चुका है। जैसे हमारे विद्युत निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद पिछले 3-4 साल से रुका हुआ बोनस को 1 साल का बोनस, वर्तमान वर्ष का बोनस हमने दिलवाया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांगे क्या हैं। 19 साल की सेवा के बाद 3 प्रमोशन वेतनमान दिया जाए, चेयरमैन प्रबंध निदेशकों और निदेशकों के पदों पर चयन किया जाए, सभी बिजली कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए, ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण के आदेश वापस लिए जाएं, विद्युत उपकेंद्रों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाने का फैसला रद्द हो, आगरा फ्रेंचाइजी और ग्रेटर नोएडा का निजीकरण रद्द किया जाए और ऊर्जा कर्मियों की सुरक्षा के लिए पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। ऐसे में सवाल है कि आंदोलन की राह पर चल रहे बिजली विभाग कर्मचारियों को सरकार इस बार कैसे समझाएगी। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए इसी खबर पर और तमाम सारी जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, जिस तरह से लगातार 72 घंटे से जो बिजली कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल पर गए हुए, लेकिन सरकार की तरफ से रुख साफ कर दिया गया कि वो उनकी मांगे इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है, सख्त कार्रवाई की जाएगी बिजली कर्मचारियों पर, एस्मा और एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। देखिए, ऊर्जा मंत्री के इस बयान के बाद विद्युत कर्मियों और ऊर्जा मंत्री के बीच में तल्खियां बढ़ गई हैं। लगातार जो विद्युत कर्मचारी हैं उनका एक कहना है कि सरकार जो है उन पर दबाव बना रही है कि वो अपनी मांगे ना माने और इसके साथ ही किसी भी स्थिति में समझौता करने को तैयार जाए। आपको बता दें, अनपरा, परछियां और इस तरह के 3 ऐसे थर्मल पावर स्टेशन है जहां पे कल रात 10 बजे से काम बंद कर दिया गया। ऐसे थर्मल पावर स्टेशन है जहां पर विद्युत उत्पादन होता है,
तो चाहे वो उत्पादन सेक्टर की बात हो, चाहे वो ट्रांसमिशन सेक्टर की बात हो, सभी के कर्मचारी इस हड़ताल में गए थे। जो भी पावर स्टेशनों पर कर्मचारी तैनात किए जाते हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो चाहे इंजीनियर हो, उन्होंने भी अपना जो सरकारी यानी सीयूजी नंबर होता है उसे ऑफ कर दिया है। वहां पर जो संविदा कर्मचारी काम करते हैं उनसे काम लिया जा रहा है, यानी अगर किसी पावर स्टेशन पर कोई फॉल्ट आता है, कोई कमी आती है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए महज वहां संविदा कर्मचारी ही हैं। सरकार और जो विद्युत कर्मियां हैं उनके बीच में ये तल्खियां बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। 2000 में एक बार आंदोलन किया था कर्मचारियों ने, उस दौरान सरकार ने दावा किया था, उस दौरान भी भाजपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, दावा किया गया था कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको जिस पर सरकार अपनी सहमति देगी। हालांकि समय बढ़ता गया, सहमति नहीं बन पाई। अभी कुछ दिनों पहले ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा और विद्युत कर्मियों के बीच में हड़ताल से पहले एक लिखित समझौता हुआ था, जिसमें विद्युत कर्मचारियों ने बहुत सारे मांगे की थी, जिसका आश्वासन ऊर्जा मंत्री ने दिया था। अब वो मांगे नहीं पूरी हो पा रही हैं। उस मामलों में एक दो शर्तें जरूर मान ली गई हैं ऊर्जा सरकार की तरफ से, लेकिन जो ऊर्जा विभाग के कर्मचारी हैं उनका कहना है कि हमारी बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं उनको जो है मानने को सरकार तैयार नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण को रोकना चाहते हैं सरकारी कर्मचारी। उनका ये कहना है कि जो कर्मचारी हैं आप उनको सुविधाएं दीजिए, वो बेहतर काम करेंगे, नहीं बेहतर काम करेंगे उसके बाद इस तरह का कोई फैसला लिया जाए, तो कोई पैरामीटर सेट जाए जो प्राइवेट कंपनियां जहां काम कर रही हैं, जहां पर सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, दोनों में बेहतर परफॉर्मेंस किसकी। आप देखिए अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में प्राइवेट कंपनी को काम मिला है और उसके बाद भी नोएडा का जो लाइन लॉस है वो काफी ज्यादा है। तो यही वजह है कि कर्मचारी कह रहे हैं कि जब आप किसी निजी कंपनी को काम देते हैं वहां भी लाइन लॉस ज्यादा होता है, तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों से ही काम क्यों नहीं करा जाए, बस सुविधाएं बेहतर की जाए। इसके साथ ही उनकी कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था का दावा मुद्दा है, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है और ऐसे बहुत सारे जो पावर स्टेशनों पर जो विद्युत कर्मचारियों के जो वर्कशॉप है उनका भी निजीकरण की बात सरकार कर रही थी, तो उसको लेकर भी ये जो है आंदोलन किया गया। 72 घंटे का ये दबाव माना जा रहा है और 10 बजे रात से ही कल शुरू हो गया, तो एक बड़ा दबाव तो कम से कम सरकार के ऊपर रहेगा, लेकिन इसका बहुत असर कम से कम शहरी इलाकों में देखने को नहीं मिलेगा, खास करके जो बड़े शहर है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा, चूंकि वहां कर्मचारियों की कमी होती है, तो ऐसे में विद्युत व्यवस्था वहां बहाल रहे कर पाना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज। आप पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल निखिल देखना होगा सरकार के सख्त रुख के बाद अब बिजली कर्मचारियों का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।